ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक जैसा हो, जिससे बात किए बिना नींद नहीं आती थी, जो सुबह आपकी गुड मॉर्निंग सुनकर ही शुरू करता था, आजकल उसी के पास आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना उसे आपसे ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। हर रिलेशनशिप में ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब लगने लगता है या महसूस होने लगता है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। ऐसे में एक ही क्वेश्चन परेशान करता रहता है कि सडनली सब कुछ चेंज कैसे हो गया, वो इंसान इतना कैसे बदल गया। तो अब आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि वो वाकई चेंज हो चुका है, और लोग चेंज हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर है। जहाँ हम बहुत ज़्यादा तारीफ देखते हैं या हमें लगता है कि सामने से ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो हम उसी जगह पर ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उस जगह से फिर इरिटेशन होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि आप अपना स्टैंड क्लियर रखिए, हर बात की हाँ में हाँ कभी भी मत मिलाइए। भी जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है कि वो करें, तो आप उसे मना भी करना सीखिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखिए। तो आगे वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको तब करनी है जब आपको लगने लगे कि आपको सामने से इग्नोर किया जा रहा है या आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है। लेकिन उससे पहले गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले है कि आप उसके बिहेवियर पर अपनी सारी बातें मत डालिए। अक्सर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है कि लोग फील करने लगते हैं उनका पार्टनर उनकी वैल्यू नहीं करता, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, और ये उसकी एक आदत जैसी है। हम हमेशा वेट करते हैं और वो हमेशा लेट ही आते हैं, कॉल करने पर रिस्पॉन्स नहीं करते। तो ये सामने वाले की आदत हुई या आपने खुद से ये सोच लिया है कि ये उसकी आदत है। अब ऐसा हमेशा से तो नहीं रहा होगा, जब रिलेशनशिप शुरू हुई होगी तो कॉल उधर से भी आते होंगे, मैसेज उधर से भी आते होंगे, एफर्ट उधर से भी हुए होंगे, तभी तो ये दोस्ती या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ी है। वो पहले नहीं थी, अगर होती तो शायद ये दोस्ती या ये रिलेशनशिप भी नहीं होता। अपने दोस्त की ऐसी किसी आदत को अपने बिहेवियर में मत डालिए। आप चीज़ों को बारीकी से सोचिए, ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको वाकई इग्नोर किया जा रहा है। आप इस बात को एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। फिर आप सबसे पहले उसका बिहेवियर नोट कीजिए, उसके बिहेवियर में आने वाले चेंजेस को नोट कीजिए कि वो कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है, और ये जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, वो उतना ही अच्छा है, क्योंकि वाकई कुछ ना कुछ तो बदल रहा है। ये है, खुद को खोने मत दीजिए। कई बार लोग किसी के साथ रहते रहते उनके साथ इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो खुद को ही भूल जाते हैं, बाकी लोगों को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उस पर्सन के आपकी लाइफ में आने से पहले भी आपकी कोई लाइफ थी, बाकी लोगों से उनके रिलेशन कैसे थे, लोगों को वो क्या वैल्यू देते थे, खुद को भी प्यार करते थे। वो अपनी हॉबीज चेंज कर लेते हैं, अपने आप को इग्नोर भी करने लगते हैं, जबकि किसी को पा लेने से आप खुद को नहीं खोते। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इंसान हमारी लाइफ में सिर्फ एक मोटिवेशन की तरह आता है और हमारी पावर बनता है, ना कि कोई कमज़ोरी। हम अपने आप को उसके पीछे इतना लगा लेते हैं कि हम खुद को कमज़ोर कर लेते हैं, उसके ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि हम खुद को ही लगभग भूल जाते हैं कि हमारी खुद की भी कोई पहचान है। और इस तरह से हम अपने आप को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर लेते हैं कि जब ऐसी बातें होने लगती हैं तो फिर हमारे पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं होता, उसका भुगतान हमें भुगतना ही पड़ता है। जब हमें छोड़कर लोग जाने लगते हैं हमारे ऊपर ही दोष लगाकर कि अब तुम बदल गए हो, तो प्लीज़ आप अपने आप को खोने से बचाइए, अपने आप को इग्नोर नहीं होने देना है। आगे है, खुद को नज़रअंदाज मत कीजिए। क्या आपने भी कभी फील किया है कि गलती सामने वाले की हो लेकिन वो दोष आपके ऊपर मढ़ दिया जाता है, आपको ही जता दिया जाता है कि गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है, जबकि हर्ट उसने आपको किया है, लेकिन आपको सुनने को क्या मिला कि आप ही उसकी कदर नहीं करते हो। तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्पेक्ट ही है ये रिलेशनशिप में जो फाउंडेशन का काम करती है। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ये उस रिश्ते की सांस की तरह होता है। अगर रिस्पेक्ट नहीं होगा तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, और उसे बढ़ाना भी नहीं चाहिए। जब कोई इज्जत नहीं करता तो फ़ायदा ही क्या है ऐसे लोगों के आसपास रहने का, क्योंकि ऐसी इज्जत तो हमें बाहर से भी मिल जाती है। तो इस तरह की बातों को नज़रअंदाज मत कीजिए। उसके बाद है कि आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए उस पर्सन के साथ रहने का,
मतलब आप लगातार ये फील कर रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक नहीं है और ये काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा है। आप फील कर रहे हैं कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन आप अब तक उस रिलेशनशिप में क्यों रुके हुए हैं? क्या रीज़न है आपके पास? सिर्फ इसलिए कि पहले सब कुछ अच्छा था? पर इससे क्या होगा, पहले क्या था उस बात से आज कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज का जो प्रेजेंट है वही आपकी फ्यूचर को डिसाइड करेगा। प्रेजेंट में रहकर ही प्रेजेंट को जिया जा सकता है, इसलिए आज जो सिचुएशन है वही आपकी रिलेशनशिप की रियलिटी है। कल क्या हुआ था या कल क्या होगा इस बात से आपके रिलेशनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आपको स्ट्रांग फीलिंग अंदर से आ रही है कि अब सब कुछ बदल चुका है, तो शायद अब आपको रुकने की ज़रूरत है। तो आप सब कुछ नोट कीजिए, आपको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, किस तरह से आपको रिस्पॉन्स किया जा रहा है और किस तरह से आपके साथ बिहेव किया जा रहा है, क्योंकि आपके लिए आप सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी लाइफ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे है कि अगर आपको पेन फील हो रहा है पर सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बस अब यहीं से भले ही उसके साथ रहते हुए ही आपको अपनी खुद की खुशी भी ढूंढनी चाहिए, वो जो आप उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, वो जिसमें आप बंधा हुआ फील करते हैं। बस वही चेन आपको तोड़नी है और ख़ुद को ढूंढना है। आप अपने आप से बात कीजिए, खुद से पूछिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, और यही करने की कोशिश भी कीजिए। इससे आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत राहत मिलेगी। धीरे धीरे आप खुद को फिर से प्यार करना सीख जाएंगे और जिसे आपने किसी दूसरे के लिए कभी खो दिया था उसे आप दोबारा पा सकेंगे। तो गाइज़, ये थी कुछ बातें जो आपको ऐसे पेन से लड़ने में हिम्मत देंगी, आपकी हेल्प करेंगी उससे निकलने में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।